तो दोस्तों, आपने कई सारे हेडफोन्स को देखा होगा बजट के अंदर, तो मैं भी आपके लिए एक ऐसा ही हेडफोन लेके आया हूँ जो बजट के अंदर आपके हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे कॉलमेट के एक बजट हेडफोन की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये रही वो चीज जिसको मैंने ऑर्डर किया है पेटीएम से। तो दोस्तों, ये है एक बजट हेडफोन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बजट हेडफोन है, इसको मैंने बाय किया है पेटीएम से, और इसका नाम है कॉलमेट का ओवल शेप का हेडफोन विथ माइक। दोस्तों, इस हेडफोन को मैं बजट हेडफोन इसलिए कहना चाहूँगा कि इसकी जो प्राइस है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बहुत कम है। तो आपने बहुत सारे हेडफोन्स देखे होंगे ऑफलाइन मार्केट में जो 200 या 300 रुपीज़ के मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में वो इतने सस्ते नहीं मिलते। लेकिन मैं आपके लिए लेके आऊँ पेटीएम की तरफ से सबसे चीपेस्ट अभी तक का हेडफोन इंडिया में, जिसकी जो प्राइस है वो है 169 रुपीज़, और यही प्राइस है इसकी। और जैसे हम बॉक्स को खोलते हैं तो हमको ज़रा सा भी इम्प्रेशन नहीं जमा पाता है ये हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत ही घटिया सा बॉक्स है इसका। तो मुझे बॉक्स क्या कुछ आया ही नहीं, खाली एक पैकेट आया जिसके अंदर हेडफोन मिला है। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी इतनी ख़राब, लेकिन 169 का है तो जाने देते हैं। इसकी मेन चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या अंदर इसके ढंग से चीज़ें आई हैं। तो जी हाँ, हमने जो ऑर्डर किया वही प्रोडक्ट हमको आ गया है, पर मैंने ऑर्डर किया था असॉर्टेड कलर, लेकिन असॉर्टेड कलर नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने रेड कलर का किया था, ग्रीन आया, कोई बात नहीं, इसको खोल देते हैं। कलर से कुछ नहीं लेना, अपने को देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है इसके प्राइस के हिसाब से। तो इसको खोलते ही हम देखते हैं कि मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है। तो देखने में तो मेरे को ज़्यादा हाई क्लास नहीं लग रहा है 169 रुपीज़ में। तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालता हूँ मैं, मतलब तो मुझे पता चल जाता है कि कैसा हेडफोन है। मतलब दोस्तों, एकदम एवरेज से नीचे का लेवल का हेडफोन है क्वालिटी वाइज। तो इसकी जो क्वालिटी, एकदम प्लास्टिक बॉडी, एकदम देसी वाली, तो अच्छी नहीं है क्वालिटी, लेकिन जो वायर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने जो अभी लेपल माइक ऑर्डर किया था वैसी ही इसकी वायर की भी क्वालिटी है, और इसमें माइक भी आपको मिल जाता है। तो माइक से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ही मत, जब ऐसा घटिया सा आपको स्टाइल मिलेगा कॉलमेट का, तो माइक भी मिल जाता है आपको इसमें। मैं वही दिखा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा, सॉरी। माइक भी मिल जाता है आपको इसमें, पर वो जो बटन है वो इतना अच्छे नहीं है। तो मैंने इसको रिव्यू कर लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, और अब बताता हूँ इसका फाइनल कि कैसा लगता है यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों, मैंने इस हेडफोन को 2 से 3 घंटे तक यूज़ किया, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो हेडफोन है इसमें इसने कुछ फीचर्स दिए हैं, मतलब कि आप इसको टर्न कर सकते हैं कहीं से भी, जिससे कि फ्लेक्सिबल है मतलब आपके कानों के ऊपर। ये फीचर मेरे को अच्छा लगा, पर इसका जो स्पॉन्ज है वो काफ़ी घटिया है। मतलब कि आप स्पॉन्ज समझ ही सकते, ऐसा लगे कि प्लास्टिक पर आपने अपना कान लगाया, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन ऑडियो क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 8 मार्क्स देना चाहूँगा, और माइक का रिकॉर्डिंग में मैं इसको 10 में से 5 मार्क्स देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक हेडफोन चाहिए लेकिन आपके पास कोई बजट नहीं है, और आपको एक अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए हेडफोन चाहिए, जो बोल रहा है कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक हेडफोन ले लो, तो उसको कोई महंगा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हेडफोन दिला देंगे तो भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन इसे बहुत केयर से यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसको अगर हम लोग को अगर यूज़ करना है डेली, तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।